यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर अब विपक्ष भी लामबंद हो रहा है। आज कांग्रेस के द्वारा फतेहाबाद के लघु सचिवालय में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसियों का कहना था कि हजारों की तादाद में विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बीजेपी सरकार उन्हें लाने के लिए उदासीन रवैया अपना रही है। उन्होंने बताया कि मात्र 3-4 फ्लाइट्स को वापस लाकर ही सरकार शेख ही बघार रही है, जबकि हजारों की संख्या में छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सचिव विनीत पूनिया, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया और जिला कोऑर्डिनेटर कांग्रेस अरविंद शर्मा के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हजारों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जबकि किसी भी देश के विद्यार्थी वहां नहीं फंसे हुए। ऐसे में साफ तौर पर यह प्रतीत हो रहा है कि भारत की विदेश नीति में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण इन विद्यार्थियों को वहां परेशानी उठानी पड़ रही है। कांग्रेस के द्वारा यह मांग की गई है कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। आपको एक ज्ञापन है कि सारे के सारे हजारों छात्र वहां बैठे हैं, सरकार सुध नहीं ले रही और सर्दी में इतने खुले में उनको बुला लिया, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई फोन उठा रहा है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसके खिलाफ हम फतेहाबाद के लोगों की आवाज जो चिंता है वो जाहिर करने के लिए सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर आए हैं। इसमें जिला युवा कांग्रेस भी शामिल है, महिला कांग्रेस भी शामिल है, इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी आज इस मामले पर इकट्ठी होकर सारे सेल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी के सारे नेता आज इस सोई हुई सरकार को, इस बैरी सरकार को जगाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जिला उपायुक्त से मिले हैं और राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में हमने लोगों के दर्द की आवाज उठाई है, लोगों की जो तकलीफ है, लोगों की जो चिंता है वो जाहिर की है कि फतेहाबाद इलाके के सैकड़ों बच्चे, इस पूरे इलाके के सैकड़ों बच्चे फतेहाबाद सिरसा से यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सरकार की नाकामी है जिसके कारण वो फंसे हुए हैं। मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। क्या कारण है एक भी यूएसए का छात्र, एक भी किसी पश्चिमी देश का छात्र उन छात्रों में शामिल नहीं है? क्या सिर्फ भारत के ही छात्र वहां पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है, पूरे विश्व से नागरिक वहां गए होते हैं, आदान प्रदान चलता रहता है, लेकिन इस सरकार ने समय पर नहीं जागी जिसके कारण ये स्थिति खड़ी हुई। और सबसे शर्मनाक स्थिति है कि उन छात्रों को बॉर्डर पे बुला लिया गया, आज वो सर्दी में खड़े हैं, ना उनके ऊपर छत है, ना खाना है, ना दवाई है, ना व्यवस्था है। ऐसे हालात में जब कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ऐसे हालात में जब वो छात्र 4 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के ऊपर वो छात्र वहां सर्दी में खड़े हैं, ठिठुर रहे हैं और ये सरकार कोई सुध नहीं ले रही, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस मामले में खड़ी है। और फतेहाबाद के, क्योंकि जिस छात्र के वीडियो के ऊपर राहुल जी ने भी ट्वीट किया, पूरे देश में आक्रोश है, हम उस फतेहाबाद की धरती पे खड़े होकर इस सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से चुनाव में व्यस्त है, इसी कारण मतलब जिस तरह से आपको जो वीडियो वायरल हुए हैं लड़की के, उसको कह रही है कि सरकार जो है चुनावों में बीजी है और हमें यहाँ से निकाला नहीं जा रहा? ये सच है, पूरा विश्व जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है और जो छात्र जो झेल रहे हैं उन्होंने ये बार बार कहा है कि इस सरकार को सुध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव इनकी फुर्सत है, चुनाव के लिए ध्यान में है इनको और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, इनको छात्रों की इन्होंने समय से सुध नहीं ली जिसके कारण आज ये स्थिति खड़ी हुई है, वहां पे फंस रहे हैं। और सरकार का जो ढुलमुल रवैया है उसके लिए हम आज महामहिम के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि सरकार उन बच्चों की सुध ले, क्योंकि पिछले एक महीने से शोर मच रहा है लेकिन सरकार है बच्चों के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है। अगर बच्चे पोलैंड बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ उनको पुलिस पीटती है, दूसरे कंट्री के जाते हैं तो वहाँ पुलिस पीटती है, और बच्चों के ना खाने की व्यवस्था है, वहाँ पे इतनी सर्दी है, तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेके और अपने हवाई जहाज लेके अपने विदेश मंत्री के साथ भेज के उन बच्चों को लेना चाहिए। और ये जो बच्चे हमें सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि 25-30 हज़ार वाली टिकट 80 हज़ार से लेके 1.25 लाख तक ये दे रहे, तो सरकार को चाहिए कि निःशुल्क बच्चों को लें, जो भी खर्चा वहन है वो केंद्र की सरकार वहन करे या स्टेट गवर्नमेंट वहन करे। और पूरे हरियाणा में हमारे जिला फतेहाबाद के सबसे ज्यादा बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं। अगर मैं बात करूँ बुन्ना ब्लॉक की तो कम से कम बुन्ना ब्लॉक के भी 15 बच्चे वहाँ पे हैं, वो हमको भी मैसेज करते हैं, अपने माँ बाप को मैसेज करते हैं, सारे उनके लोग रिश्तेदार उनका फ्रेंड सर्कल बड़ा परेशान है। तो प्रधानमंत्री जी को लिफाफेबाज बातें छोड़ के तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उन बच्चों की शुद्ध बुद्ध लेना चाहिए। जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी
तो खाड़ी युद्ध के अंदर माननीय हमारे इंद्र कुमार गुजराल जी विदेश मंत्री 2 लाख लोगों को रेस्क्यू करके वहां से लेके आए थे, और इस सरकार से ये 20,000 बच्चे भी नहीं लाने जा रहे। इस सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है, और इसलिए प्रधानमंत्री तुरंत संज्ञान लेके हुए अपने विदेश मंत्री को वहां भेजें, अपने दूसरे अधिकारियों को वहां भेजें, और उन बच्चों को तुरंत भारत की हिंदुस्तान की धरती पर लाने का काम करें। इसकी मांग लेके हमने आज उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। जिस तरह से वीडियो आ रही है कि हम बंकर के अंदर जो हम तस्वीर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बड़ी डरावनी तस्वीर है। हमारे ही दिल में जब इतनी पीड़ा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो, उन बच्चों के माँ बाप उन वीडियो को देखते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो इसी के लिए हमने आज प्रधानमंत्री को नींद से उठाने के लिए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, ताकि ये सरकार नींद से उठे और उन बच्चों की सुध बुध ले। जो बच्चों यहाँ पे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं उनसे भी तुरंत वो बात करे, उनको अपनी प्लानिंग के बारे में बताए, उन बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्लानिंग के बारे में बताए कि कौन अधिकारी उनकी सुन रहा है, कौन आपको लेने आएगा। वो बच्चे तो सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि एम्बेसी भी हमारी उनके बच्चों के फ़ोन नहीं उठा रही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो विदेश के अंदर हमारी एम्बेसी हमारे बच्चों को नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ठीक है, थैंक यू।